नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से क्लिनिक पे कुछ ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो लंबे समय तक खांसी से परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक बार खांसी शुरू हो गई तो 15-20 दिन चल रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 महीने 3 महीने और कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनको 4-5 महीने या 6 महीने या इससे भी ज्यादा टाइम पीरियड से लगातार खांसी रह रही है। वो लोग कई तरह की मेडिसिन यानी कई तरह की दवाइयां भी ले रहे हैं और भी कई चीजें कर रहे हैं बट उनकी खांसी खत्म नहीं हो रही। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। दोस्तों, इनफैक्ट क्या है कि अभी जो मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा जैसी सर्दी का मौसम आया उसके कारण भी जानते हैं कि रूटीन के अंदर जो है सर्दी लगती है, जुकाम होता है और उसके बाद आपको खांसी शुरू हो जाती है और कई बार ये खांसी लंबे समय तक चल सकती है। अभी कई बार जो है कई तरह की वायरल डिजीजेज है वो भी फैली हुई है और कई बार जो आपको अगर कोई मान लीजिए कोई वायरल कोई इन्फेक्शन हो गया और उसके कारण भी अगर आपके लंग्स है वो इन्फेक्टेड हो गए और उसके बाद के अंदर आपके गले के अंदर भी एक खराश बनी रहती है, आपके गले में हर टाइम एक मतलब जो है टिकलिंग सा एक खराश सी बनी रहेगी और एक इरिटेशन सा होता रहेगा, ऐसा लगेगा गले में जो है कुछ फस्क सा गया है या कई बार फील होता है कफ यहाँ पे चिपक गया बाहर नहीं आ रहा है। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम या लक्षण देखने को मिल रहे हैं कि गले में खराश है, इरिटेशन है और खांसी है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इनफैक्ट जैसा मैंने बताया कि पिछले कुछ समय से वायरल डिजीजेस फैली हुई है उसके कारण भी इस तरह के केसेस बढ़ गए और सर्दी के मौसम के अंदर तो ये होता ही है। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मैंने मेरी क्लिनिक पे भी देखा कि बहुत से लोग आए और उनको कुछ हमने पर्टिकुलर मेडिसिन दी जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। हालांकि आप जानते हो कि होम्योपैथी के अंदर हर पेशेंट्स के लिए उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेडिसिन है जो उसको देती है हम लोग, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस जिसमें मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों में जिसमें कि हमें जो है खांसी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले वो मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने देखा कि वो लोग जिनको चाहे अभी रिसेंटली मान लीजिए 2-4 दिन से खांसी आ रही है या लंबे समय से खांसी आ रही है उनके अंदर अगर आप ट्रीटमेंट को बैसिलिनम की एक डोज से शुरू करते हैं, बैसिलिनम 200 की एक डोज सबसे पहले दे दीजिए और उसके बाद के अंदर दूसरी मेडिसिन दें जिसके अंदर पर्टिकुलरली बोनिंगसन का जो फार्मूला है जिसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बात की थी कि 3 मेडिसिन आती है, एकोनाइट 200, स्पॉन्जिया 200 एंड हिपरसल 200। इन तीनों मेडिसिन को, एकोनाइट 200, स्पॉन्जिया 200 एंड हिपरसल 200, इन तीनों को अगर आप दिन में 3 बार देते हैं सुबह दोपहर शाम तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उसी के साथ के अंदर फिर भी हो सकता है कई बार कि आपको खांसी जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उसके लिए एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 3 मेडिसिन लेनी है। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है जस्टिसिया एडाटोडा मदर टिंचर, इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे। नेक्स्ट भी जो हमारा मदर टिंचर है उसका नाम है ग्रिंडेलिया रोबस्टा मदर टिंचर और लास्ट हमारा मदर टिंचर है यर्बा सेंटा मदर टिंचर। दोस्तों, इन तीनों मदर टिंचर्स को इक्वल क्वांटिटी में लेना होता है और आप इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं तीनों मेडिसिन को मदर टिंचर को लेने के लिए कि एक चाय पीने वाला कप ले, साफ सुथरा क्लीन कर ले, उसमें मान लीजिए 10 ड्रॉप्स आपने जस्टिसिया मदर टिंचर डाला, 10 ड्रॉप्स आपने ग्रेंडेलिया मदर टिंचर डाल दिया और 10 ड्रॉप्स ही आपने यर्बा सेंटा मदर टिंचर डाल दिया। दोस्तों, इस तरह से 30 ड्रॉप्स आपकी उस कप के अंदर होगी। फिर उसमें आप ल्यूकवार्म थोड़ा सा ठंड खोला हुआ गुनगुना पानी मिक्स कर ले और इसको सिप बाय सिप करके सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले और आप देखेंगे कि चाहे कैसी भी खांसी हो या कितनी पुरानी खांसी हो, वो ड्राई कफ हो सकता है, प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, दोस्तों जैसा भी कफ है उसके अंदर आप देखेंगे कि ये मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है और साथ में आप बोनिंग हुसैन फार्मूला भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ जो है मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है क्योंकि अभी खांसी से बहुत ज्यादा लोग परेशान है और खांसी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जो है वो इस कॉम्बिनेशन से या इन मेडिसिन से बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं। हालांकि अगर कई बार कुछ केस के अंदर मैंने बताया कि इंडिविजुअल मेडिसिन भी देनी पड़ सकती है। दोस्तों, इसके साथ में खांसी के अंदर हमेशा जैसा मैं कहता हूं थोड़ा जरूरी होता है आपके खाने पीने का भी आप ध्यान रखें। अगर आपको खांसी है तो आप कोशिश करें कि ज्यादा ठंडी चीजें नहीं लें, कोई भी चिकनी चीजें नहीं लें या वो फ्रूट्स जो थोड़े से ठंडे होते हैं, जो थोड़ा सा कप प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स होते हैं उनका भी आप अवॉइड करें। तो इस तरह से अगर आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, टाइम से होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपकी खांसी बिल्कुल ठीक होने वाली है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर हमने जो गले में खराश और उसके साथ में खांसी की जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपके साथ शेयर की है ये आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा।
इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।